दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। हेलो दोस्तों, आप सभी ने राधे माँ के बारे में तो कुछ न कुछ सुन रखा होगा। वह महाराष्ट्र के बोरीवली उपनगर की रहने वाली है। राधे माँ हर समय किसी न किसी वजह से विवादों में घिरी रहती है, लेकिन वह अपने को आध्यात्मिकता से जुड़ी रहने वाले लोगों में से बताती है। आज मैं आपको राधे माँ से जुड़े सात ऐसे अतथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। एक, राधे माँ का ओरिजिनल नाम सुखविंदर कौर है। उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक सरकारी अधिकारी के घर हुआ था। राधे माँ बनने से पहले इनके दो बच्चे थे। उनके पति की माँ ठाई की दुकान थी। दो, राधे माँ के सबसे करीबी लोगों में छोटी माँ और टली बाबा शामिल है। राधे माँ की वेबसाइट में मेंशन है कि छोटी माँ को उनके सलाहकार द्वारा दिव्य शक्तियाँ दी गई हैं और टली बाबा उनके इवेंट का ध्यान रखते हैं। तीन, राधे माँ के भक्तों का मानना है कि वह दुर्गा माँ की अवतार है। वह हमेशा लाल साड़ी में ही रहती है। चार, राधे माँ अपने भक्तों के साथ डांस करती है और वह इसी को आशीर्वाद के रूप में मानती है, लेकिन उसके खिलाफ दायर एक शिकायत कहती है कि वह भक्तों को उसे चूमने की अनुमति देती है। पाँच, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो में देखा गया है। वह बॉलीवुड में काम कर चुकी है। वह वेस्टर्न कपड़ों में भी देखी गई है, विशेष रूप से वे एक बार लाल मिनी स्कर्ट में भी नजर आ चुकी है। छह, राधे माँ के ऊपर 32 वर्षीय महिला ने दहेज उत्पीड़न और मानसिक और शारीरिक यातना के आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर महिला ने कहा है कि उसके पति के परिवार ने उसे राधे माँ के आदेश पर परेशान किया था। सात, गुजरात में 7 लोगों के गरीब परिवार को आत्महत्या करने का आरोप भी राधे माँ पर है। दोस्तों यह न्यूज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।